केंद्र सरकार मुस्लिम समाज की 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है और इसके लिए कानून भी बना दिया, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं के साथ 3 तलाक के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही। ऐसा ही एक मामला जनपद संभल के अलावलपुर गांव से सामने आया है। यहां के रहने वाले फिरोज खान ने अपनी बहन तारा बी का निकाह 11 महीने पहले सलारपुर निवासी दानिश से किया था और अपनी हैसियत के हिसाब से दान दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग मिले हुए दहेज से संतुष्ट नहीं थे और आए दिन दहेज में कार की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित करते रहते थे, जिसकी वजह से 4 महीने पहले वह अपनी बहन को घर बुलाकर लेकर आया था, लेकिन अब दानिश अलावलपुर गांव आया और सबके सामने 3 तलाक कहकर वहां से भाग गया, जिसके बाद पीड़िता के भाई फिरोज ने पुलिस को इसकी तहरीर दी है। मेरे साथ ये हुआ, मुझे ले आ कर या मारे कर या फांसी लगा कर या कभी हाथ तोड़ दिया, कभी होठ फाड़ दिया, बिल्कुल न रखे कर या माल मांगे कर या और मेरे साथ उल्टे सीधे काम करे कर या। अब क्या आपको 3 तलाक कह गए हैं? तीन बार तलाक घर बैठे मेरे देखे गया। क्या नाम है उनका? दानिश। कहाँ के रहने वाले हैं? सलालपुर के रहने वाले हैं। अब आपकी तरफ से कोई तहरीर वगैरह दी गई है कहीं? दी गई है। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ, अब मैं तो रहना ही चाहती हूँ वहाँ पे, मेरी माँ ने कराए तो रहने के लिए कराए। फिरोज, ये कौन से गाँव में रहते हैं? अलावलपुर। क्या हुआ आपकी बहन के साथ जो 3 तलाक का मामला है, क्या वजह है उसकी? ये करीब 11 महीने शादी को हो गए, बहुत परेशान रखता है और 4 महीने पहले मैं अपनी बहन को अपने घर बुला लाया, 4 महीने के बाद बुलाने आया वो, बहुत परेशान दुखी रखता, कई बार पंचायतों से भी भेज दिया, तो जब बुलाने आया तो उसने दहेज की भी मांग करी और परेशान भी ज़्यादा रखता था वो, तो जब उसने दहेज की मांग करी हमने मना कर दिया, जो हमारा कब्जा था वो हम दे चुके हैं तुझे, उसके आगे नहीं दे पाएंगे क्योंकि 6 सिस्टर है मेरी, तो उसने जो है गुस्से की हालात में आके तलाक दे के और वो यहाँ से भाग गया। अच्छा, दहेज में क्या मांगते थे? स्विफ्ट डिजायर कार भी मांगता था वो और भी बहुत सारा सामान मांगता। वैसे मैंने 6 लाख रुपए की शादी करी है, करीब 1.5 लाख रुपए की मंगनी दी है और 3.5-4 लाख रुपए की शादी करी है। तो अब जो आपने तहरीर दी है वो कहाँ दी है? नरोली चौकी। तहरीर दिए हुए मुझे 2 दिन हो गए नरोली चौकी में।